इंडिया कनाडा के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए मैं कहूंगा कि इंडिया कनाडा पर पॉलिटिकली आराम से जीत पा सकता है। मैं पांच ऐसी चीज बताऊंगा जिसे देखकर आप कहेंगे कि मेरा भारत महान। तो पहला है जीडीपी। जीडीपी के मामले में भारत कनाडा से काफी आगे। पिछले साल भारत की जीडीपी अनुमानित 3.740 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि कनाडा की 2.089 ट्रिलियन डॉलर। दूसरा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। मई 2023 की रिपोर्ट के अनुसार कनाडा ने भारत को 491 मिलियन डॉलर की चीजें निर्यात की थी, एक्सपोर्ट की थी, और जबकि उन्होंने इंडिया से 705 मिलियन डॉलर की वस्तुएं आयात की थी, इंपोर्ट की थी, जिससे कि उनका ट्रेड नेगेटिव बैलेंस बनता है 214 मिलियन डॉलर, जो कि काफी ज्यादा है। तीसरा है कैनेडियन पेंशन फंड। कैनेडा ने अपने पेंशन फंड की अनुमानित 55 बिलियन डॉलर को इंडिया में इन्वेस्ट किया है, जो कि काफी रफ्तार से और आगे बढ़ रहा है। चौथा है कॉस्ट ऑफ लिविंग। इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग 66% चीपर है कनाडा से, पर ये जो परसेंटेज है वो गांव और शहरों को मिलाकर बनाया जाए, अगर मैं सिर्फ गांवों की बात करूं तो वो 90% तक पहुंच सकता है। पांचवा है वेदर। कनाडा में जो वेदर है वो बहुत ही हार्श और कोल्ड है। वहां पे ठंडी के मौसम में -30 डिग्री सेल्सियस तक भी पारा पहुंच जाता है, जबकि इंडिया में कुछ ही ऐसे शहर है जहां पर माइनस में पारा पहुंचता है। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू।